भाई आरिश, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे मेडिकेशन जारी रखिएगा। ये वही लड़का है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारी वजह से? जी। उसे पता तो नहीं चला ना कि तुम वही लड़की? नहीं नहीं भाई, उसे कुछ भी नहीं पता। अम्मी आप और सुंदर तैयारी कर ले, मैं वापसी में आते हुए मौलवी साहब आरिश को उसके घर वालों को साथ लेकर आऊंगा और ये निकाह आज ही होगा। मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, हाँ, और अगर मैंने शादी की तो सिर्फ उसी से करूंगा। आप लोग जो कर सकते हैं कर लीजिए। भाई क्या हुआ है, अचानक मुझे क्यों ले आए हैं? कोई परेशानी है? हाँ मैं तुम्हारी वजह से परेशान। मेरी वजह से क्यों? नादिया बता रही थी कि मेरे जाने के बाद तुम परेशान थी। नहीं भाई, मैं तो आपकी वजह से। देखो गुड़िया, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस लड़के को पता चल गया ना कि तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। देखो गुड़िया, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं भाई कोई बात ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं? Are you sure? जी भाई पक्का। तो मैं मुतमईन हो जाऊं? जी भाई। ठीक है तुम जाओ। क्या? जी। आरिश पर हाथ जो उठाया है, जाहिर है वो तो गुस्सा करेंगी ना, वो उनका लाडला बेटा है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना गुल, लेकिन तुमने और तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पता है वो अब तक घर नहीं आया है। कहाँ जाएगा? जहाँ भी होगा ना खींच कर लाऊंगा उसको। अच्छा सुनो, मैंने खाला को ये कहा है कि मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, अब तुम इस मामले से अलग हो जाओ बस। और मैंने खाला को ये भी कह दिया कि तुम अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगे, मैंने तुम्हें मना कर दिया। ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? बज्जो कह रही है अपने तरीके से इस मामले को हैंडल करूंगी। कर सकती है क्या वो हैंडल? एक घूसा तारा डर के भाग गया, हिम्मत है ना तो आए मेरे सामने और उसे बताऊं मैं। आरिश, आरिश तुम, आरिश तुम यहां पे क्या कर रहे हो? क्या हां से मुझसे तान कर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शादी पर मजबूर कर सकते हो, कोई जबरदस्ती कर सकते हो, आरिश प्लीज समझाओ। तुम जाओ आरिश प्लीज। एक मिनट सुंदर, प्लीज चुप चुप कर। लड़ना है ना तुम? लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लेकिन आज के बाद अगर मेरे घर में तूफान बदतमीजी के साथ आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। आरिश प्लीज समझाओ। आरिश आरिश, I beg you please समझाओ। तुम्हें भाई घर में हमारे ये खाला की वजह से चुप रहा हूं मैं वहां पे, और यहां पे तुम्हारी वजह से जलील करके चला गया मेरे घर में मुझे। मेहरूज जल्दी पता करें कहाँ है आरिश। यार फोन किए जा रहा हूँ, अटेंड ही नहीं कर रहा है, क्या करूँ? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर नहीं आया तो फिर दोबारा खाला की तबीयत खराब ना हो जाए। अम्मी क्या कर रही थी? नमाज पढ़ रही थी। या अल्लाह
या अल्लाह तू रहम कर, सब पर रहम कर। अच्छा बस करो बस, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हम हंसी खुशी उन दोनों की शादी करें बस। तो अपना रहम फरमा या अल्लाह इस घर पर। मुझे पता जरूर वापस आओगे मेरे पास। जानती हैं मैं वापस क्यों आया? सिर्फ आपके लिए। अगर आप यहां ना होती ना, मैं कभी भी वापस ना आता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी किसी ने इस घर में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैं ना सिर्फ ये घर बल्कि ये मुल्क छोड़ के भी चला जाऊंगा। फिर ढूंढते रहिएगा आप लोग मुझे। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। हेलो आरिश, कैसे हो? ठीक हूँ, बस सारा दिन तुम्हें फोन नहीं किया कि कहीं तुम परेशान ना हो। वैसे क्यों लेने आए थे तुम्हें भाई? क्योंकि उन्होंने तुम्हें मेरे साथ बैठा हुआ जो देख लिया था। यार वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने परेशान क्यों हो रहे, खा तो नहीं ना जाऊंगा तुम्हें। आरिश भाई हमेशा से ही मेरे लिए ऐसे रहे, उन्हें ये लग रहा है कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, और वो ये समझ रहे हैं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और थ्रेट दे रहे हो। तुम्हारे भाई ने अभी जाना नहीं है मुझे बरीसा। क्या मतलब? ठीक है आरिश, उनकी बहन के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता है। आरिश मैं अचानक से तुम्हें इस तरह छोड़कर आ गई, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा। आई एम सॉरी, माइंड मत करना। अरे तुम सॉरी क्यों कर रही हो बरीसा? तो फिर मैं और क्या करूं? हिम्मत करो, भाई से मिलवाओ मुझे। मैं तो कब से यही सोच रही हूँ कि मैं भाई से कैसे बात करूं। अच्छा तो फिर क्या सोचा? मैंने ये सोचा है कि नादिया बाजी से बात करूं। कौन नादिया बाजी? ये मेरी अच्छी दोस्त है और मेरी होने वाली भाभी भी। और ये कब करोगी तुम? कल। ठीक है। अच्छा सुनो, कल मैं सेकंड हाफ में हॉस्पिटल जाऊंगी, तो मैं सुबह के वक्त बात कर रही होंगी, तो प्लीज कॉल मत करना। नहीं मगर मैं कॉल करूंगा तो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा ना। मैंने कहा है ना मत करना कॉल। अच्छा बाबा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी कॉल का इंतजार तो कर सकता हूँ ना, उसकी तो इजाजत है। जी जी आलम बना, आपको इजाजत है, इजाजत है। अब मुझे इजाजत दोगे कि मैं फोन बंद करूं? ओके बाय। देख लिया, देख लिया आप लोगों ने, अपने तरीके से हल करेंगी आपा मसले को, और आपा ने मसला हल कर लिया, होगी तसल्ली। अब दे दी धमकी उसने मुल्क छोड़ के जाने की, और मैं उसे जाने दूंगा ऐसी की तैसी उसकी। भाई जा रहे तो जाने दो ना उसे, चला जाए, दफा हो जाए। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत, नफरत है मुझे उससे, नहीं करनी मुझे उससे शादी।
बकवास कर रही है? उठा मुझे, क्या कर रहे हो? बहन को मारोगे? अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो जान से मार दूंगा इसको। तो क्या करे वो बेचारी, पैर पड़े मिन्नतें करे आरिश की। ऐसा कहा मैंने? कोई जरूरत नहीं है उसकी मिन्नतें करने की। खुदा का वास्ता है गुरु, तुम्हें तो मैं बुला के और बता के मुसीबत में पड़ गई हूँ। ये मसला मेरे अलावा और कोई हल भी नहीं कर सकता। तो ऐसे करोगे मसला हल? नहीं, अब ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। चार दिन में पहुंचूंगा उस लड़की के घर। तुम हॉस्पिटल कितने बजे जाओगी? आज लंच के बाद जाऊंगी मैं। वैसे मुझे एक जरूरी काम है। खैर कोई बात नहीं, काम तो होते रहेंगे, मैं तुम्हें खुद छोड़ूंगा और अभी हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। नहीं नहीं भाई, आप जाएं ऑफिस, वैसे भी आप 2-3 दिन लाहौर में रहकर आए ना, पता नहीं कितना सारा काम इकट्ठा हो गया होगा आपका। आपको जाना चाहिए वरना आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा। गुड़िया, इसमें लॉस वाली क्या बात है? तुम्हारे लिए तो मैं नहीं भाई, असल में मैं बहुत थकी हुई भी हूँ, दिल चाह रहा है दोबारा सो जाऊं। ठीक है, तुम आराम कर लो। और कल संडे है ना, तो कल हम दोनों 7 बजे जाएंगे, सही है? ओके। एक्सक्यूज मी, जी जी हाँ, मैं मौजूद था वहां जब फोन आया। यकीन करो बतूल, जब से सुंदस पैदा हुई है मैं तो जब से यही सोच रही हूँ कि यही रिश्ता होगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए सब कुछ ठीक होता गया। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। पापा, मुझे भी कितना सुकून और इत्मीनान था कि मेरी सुंदस किसी गैरों के घर नहीं जा रही शादी करके, मेरे अपनों के पास आ रही है, मेरी प्यारी आपा के पास। मैंने भी तो उसे दूर नहीं रहने दिया, दुबई से उसे यहाँ बुला लिया, जॉब छुड़वा दी। मुझे क्या पता था इतना सब कुछ करने के बाद भी एक नामुराद लड़की उसके पीछे पड़ जाएगी। तुम यकीन करना, मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, चैन ही नहीं पड़ता मुझे किसी पल। हम दोनों जिस तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं सो है, पर आपा मेरी सुंदस का बहुत बुरा हाल है। ना वो कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस सारा वक्त रोती रहती है। अपनी कसम दे के 2 घूंट जूस के देकर आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता आपा, मैं क्या करूँ, क्या होगा? तुम घबराओ मत, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बस तुम उम्मीद मत छोड़ना, इंशाल्लाह तला सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा करूँ कि सुंदर से कहो कुछ थोड़ा सा खा ले, उसे कहो कि खाला कह रही, अब तुम भी परेशान मत। चलो मैं फोन रखती हूँ। जाती हूँ, जाके आपका कहती हूँ। इत्मीनान रखो, ठीक? अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। उम्मीद तो है मुझे अपने गुलफाम पे, कुछ अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। अब क्या करूं, चले गए भाई, हिम्मत ही नहीं हो रही नादिया बाजी से बात करने की, आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। किया था ना आरिश के कॉल मत करना। सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था बस। अच्छा चलो सुन ली ना आवाज, अब प्लीज फोन मत करना क्योंकि मैं अभी नादिया बाजी के पास जा रही हूँ, फोन इधर ही छोड़कर जाऊंगी। अरे सुनो तो सही। देखो परीसा बहुत हौसले से बात कर, बहुत हिम्मत से, ये हम दोनों की जिंदगी का मामला है।
हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज जब भी बात हो जाए मुझे फोन करके जरूर बता देना, मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा चलो बताऊंगी, अब मैं हॉस्पिटल के लिए रेडी होने जा रही हूँ और रास्ते से नादी बाजी से मिलते हुए जाऊंगी। Best of luck. Bye. टेंशन हो रही है यार, बहुत टेंशन हो रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम नादिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सुबह सुबह? आज मुझे लेट जाना था तो मैंने सोचा आपसे मिलती भी चली जाऊं। आंटी कहाँ है? अभी बाहर ही तो गई थी सौदा लेने, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ परी साहब, सब खैरियत तो है? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप मेरी बात समझेंगी ना नादी बाजी? परीसा, कभी हुआ ऐसा कि मैं तुम्हारी बात ना समझी हूँ? बताओ क्या बात है? लेकिन आप भाई को मत बताइएगा। भाई को ना बताइएगा? अगर तुमने तो आली से कभी भी कुछ नहीं छुपाया। अब मुझे घबराहट हो रही है परी साहब, क्या बात है बताओ। मुझे आपको किसी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? मेरा मतलब है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं समझ गई कि तुम मुझे किससे मिलवाना चाह रही हो। अल्लाह परीसा, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। नादी बाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेवकूफ, इसमें डरने वाली क्या बात है? इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो डरता नहीं है, उसकी मोहब्बत उसको और मजबूत करती है। अच्छा मुझे बताओ तो सही, वो है कौन, उसका नाम क्या है, तुम लोग कहाँ मिले, सब कुछ बताओ। आरिश नाम है उसका। आरिश, नाम तो बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा होगा। नहीं आप खुद ही मिल लीजिएगा, लेकिन आप अभी भाई से तो कुछ नहीं कहेंगे ना? नहीं नहीं मैं नहीं बताऊँ। बीजान और आंटी से भी कुछ नहीं कहिए। नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँ, पहले मैं उसे खुद मिलूंगी, मैं उसका इंटरव्यू लूंगी और फिर किसी को बताऊंगी। अच्छा बताओ ना, तुम मुझे उसे कब मिलवाओगी? आज मैं हॉस्पिटल से वापसी पे आपको कॉल करूंगी, आप तैयार हो जाइए। डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं मैंने कहा ना आप तैयार हो जाइएगा, आएंगी ना? हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। थैंक यू नादिया बाजी, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, खुश रहो। हेलो। हेलो आरिश। हाँ परीसा, क्या बात हो गई? मैंने नादिया बाजी से बात कर ली है। तो क्या कहा उन्होंने? आज शाम को मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। शाम को क्यों यार, मतलब दिन में मुलाकात नहीं हो सकती क्या? कैसी बातें कर रहे हो आरिश, अभी बस मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊंगी, 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। ये भी है, ड्यूटी भी तो देनी है आपने। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि हम उन्हें पिक करेंगे क्या? वो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में ही रहती हैं, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, तुम इतना डरती क्यों हो वैसे? हाँ बस मैं डरती हूँ ना। मत डर, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम तक क्या, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। चलो फोन रखो और जल्दी जल्दी से मुझे शाम को मिलो। ओके बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी फरमाइए, क्या कहने आया? आई एम सॉरी यार,
मुझे एहसास हो गया कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इट्स ओके। ऐसे नहीं यार, प्लीज गले लगा के दिल से माफ करना, वरना मेरी रूह बेचैन रहेगी। प्लीज कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें दिल में रखें अपने। बस दोबारा इससे ध्यान रखना। कोई बात नहीं। तैयारी हो जाओ। आरिश से मिलने के लिए मैंने हाँ तो कर दी, अगर आली को पता चल गया तो? परीसा का साथ देने में हमेशा आली मुझसे नाराज हुए हैं। परीसा को भी तो नाराज नहीं कर सकते। आरिश, तुम क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहे हो बेटे? क्योंकि मैं जानता हूं कि बचपन से लेकर आज तक आपने कभी भी मेरी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। मैं इसलिए बेटे कि तुमने सारी जिंदगी को नाजायज ख्वाहिश की ही नहीं। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करना, क्या ये कोई नाजायज ख्वाहिश है? तैमूर आ रहा कल, हम उन्हें खाने में बुला लेते हैं, आप सभी मिल लीजिए। आली, वो उनको मिलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। परीसा किसी और को चाहती है।